सबसे पहले हम लेंगे 7x8 इंच का वन पीस क्विल्टेड, 2 इंच डाउन जा कर के इस पर मार्क करेंगे। ये 2 इंच डाउन गए, इस पर हमने मार्क किया है। इसको कट करेंगे, जिप लगाएंगे और रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद इसमें 7x8 इंच की एक लाइनिंग लेंगे और पीछे से इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। इसी प्रोसीजर में 7x8 इंच का पीस लेंगे, 2 इंच डाउन जाएंगे, कट करेंगे, जिप लगाएंगे, रनर लगाएंगे और एक लाइनिंग सेट कर देंगे। ये दोनों पीस हमने तैयार कर लिए। अब लेंगे हम 8x11 इंच का पीस। ये 8x11 इंच का पीस है, इसमें भी हम 2 इंच डाउन जाएंगे, दोनों पीस में 2 इंच डाउन जाना है, कट करना है, जिप लगाना है, रनर लगाना है और एक लाइनिंग लगा देनी है। और ये दोनों पीस भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब लेंगे 7x11 इंच का एक पीस, उसमें सेंटर मार्क करेंगे 3.5 पर, एक लाइन खींचेंगे और कट करके यहाँ पर जिप लगा देंगे। और अब लेंगे 6 इंच के दोनों बेल्ट के पीस और डी लूप। डी लूप को इसमें बेल्ट में डालेंगे, 6 इंच की बेल्ट में, और बराबर से रखते हुए यहाँ पर सिलाई देंगे, उसके बाद नीचे सिलाई कर देंगे। और ये दोनों डी लूप को हम इस पीस पर यहाँ जिप पर सेंटर में रखते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। इसको यहाँ पर डी लूप को लगाने के बाद 7x8 इंच के दोनों पीस लेंगे और एक पीस इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे, 7 इंच को 7 इंच पे जोड़ देंगे इधर और दूसरा पीस इधर।
इसको जोड़ने के बाद दूसरा 7x11 इंच का पीस लेंगे और इसको इस 7x8 में जोड़ते हुए दूसरे 7x8 के पीस में जोड़ करके इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद हमारे पास जो 8x11 इंच का पीस है, अब इसको हम यहाँ पर पूरे बॉर्डर पर जोड़ देंगे। 11 इंच को 11 इंच से जोड़ेंगे, 8 इंच को 8 इंच से, फिर 11 को 11 से और 8 को 8 से, और इसको हम पूरे बॉर्डर के साथ कंप्लीट कर देंगे। ये एक पीस हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इसी तरह से दूसरा पीस भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 11 को 11 से, 8 को 8 से जोड़ते हुए कंप्लीट कर देंगे। और ये जो ज़िप है, ये ऊपर वाली ज़िप के पास आनी चाहिए। इसको हमने चारों तरफ से जोड़ दिया, ये इस तरह से खड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि ये परफेक्टली जुड़ गया है। अब जितनी सिलाई है इस पर आप चाहें तो पाइपिंग चढ़ा सकते हैं और इसको अब हम सीधा करेंगे। अब इसमें हम ये जो लूप है इसमें 40 इंच की जो बेल्ट है हमारी, इसको लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे, यहाँ डबल करते हुए डबल मशीन चला देंगे। और ये हमारा मिनी ट्रैवल बैग कंप्लीट हो गया। इसको आप लंच बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोज़ लंच बॉक्स ले जाना है या फैमिली के साथ कहीं जाना है तो ज़्यादा खाना पीना रख सकते हैं। ऑफिस बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक दिन का कपड़ा रख करके सफ़र भी कर सकते हैं। जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ में दिया है और छोटा दिया है और पॉकेट इतनी दी है कि आपका सारा सामान आ सकता है। कि एक सेट कपड़ा अगर आपने यहाँ रख लिया अंदर तो काफ़ी स्पेस है और जूते चप्पल यहाँ आ सकते हैं। खाने पीने का सामान एक दूसरी साइड में आ सकता है, साइड में आपका कॉस्मेटिक आ सकता है। इसी तरह से अगर खाने पीने का ले जा रहे हैं तो खाना पीना अंदर रख सकते हैं, बाकी जो चम्मच और कांटे और जो चाकू थोड़े बहुत रखने हैं वो रख सकते हैं। साइड में नमक मिर्च का जो सेट आता है उसको भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ में इसको तैयार किया गया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।